एक मिलीनियर का एक यंग लड़की के साथ अफेयर होता है। जब उसका पैर टूट जाता है तो लड़की उसका बहुत ख्याल रखती है, पर उसका बहुत बड़ा सीक्रेट था। उसका उसके करीब आने का रीज़न कुछ अलग ही था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शैटर्ड ये 2022 की एक थ्रिलर हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर क्रिस को अपने एक्स वाइफ के साथ बात करता देख सकते हैं। उसे पूछ रही थी कि अब तक तुमने डिवोर्स पेपर क्यों नहीं साइन किए। क्रिस ने कहा कि डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद सब कुछ बहुत ही ऑफिशियल हो जाएगा। वो भी चाहता था कि अपने फैमिली के साथ रह पाए। उसकी वाइफ की कंप्लेंट थी कि जब वो उनके साथ था तभी उसने कभी भी उन्हें टाइम नहीं दिया। उसने अपनी कंपनी सेल कर दी, पर वो पैसों के लिए, फैमिली के लिए नहीं। इसी वजह से उसकी वाइफ उसके पास वापस नहीं आना चाहती। क्रिस की बेटी उसे बहुत मिस करती है। उसने मदर से पूछा कि क्या आप फादर से अब प्यार नहीं करते। मदर, जिसका नाम है जेमी, वो कहती कि ऐसा नहीं है, मैं हमेशा उससे प्यार करती रहूँगी, पर अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं। क्रिस हमेशा लोगों से दूर रहता है। उसने घर भी लिया तो माउंटेन पर। उसे जब शॉपिंग करनी होती है तो ग्रोसरी स्टोर में भी वो बहुत ही लेट जाता है, यानी उसे ज़्यादा लोगों से बात ना करना पड़े। आज उसे यहाँ पर एक लड़की मिली जिसका नाम था स्काई। स्काई पूछती कि मैं ज़रा कन्फ्यूज्ड हूँ, मुझे कौन सी वाइन लेनी चाहिए समझ में नहीं आ रहा। क्रिस ने उसे एक अच्छी सी वाइन सजेस्ट की। वो बाहर राइड का वेट कर रही थी, पर उसके ऊबर ड्राइवर ने राइड कैंसिल कर दी। तो क्रिस कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। स्काई इस बात के लिए मान जाती है। घर के पास आने के बाद उसकी रूममेट का आवाज़ अब भी आ रहा था। वो किसी पर चिल्ला रही थी। स्काई क्रिस से कहती कि आज मेरी रूममेट के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, उसी वजह से मैं बाहर गई थी। मुझे लगा था कि इतनी लेट वो सो चुकी होगी, पर अब उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। क्रिस कहता है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ हैंग आउट कर सकती हो, पर स्काई इसके लिए मना करती है। थोड़ी देर वो रूम के बाहर ही रुकी तो क्रिस कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, और इस बात के लिए वो मान जाती है। क्रिस का इतना बड़ा घर देखकर वो सरप्राइज थी। उसने पूछा कि तुम करते क्या। क्रिस ने कहा कि अब मैं रिटायर्ड हूँ, मैंने कुछ ऐप्स बनाए थे और गूगल ने मुझे एक अच्छा सा ऑफर दिया, और अब उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। स्काई कहती कि पहले मैं मॉडल थी, वहाँ पर उसे कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, तो वो वापस आ गई। अब वो यहाँ एक पास के बार में वेट्रेस का काम करती है। स्काई पूछती कि तुम इस तरीके से अकेले क्यों ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे थे, क्या तुम्हें लोग पसंद नहीं है। क्रिस कहता है कि मुझे तुम पसंद आए। इनकी वाइन ख़त्म हो चुकी थी तो क्रिस अपना एक्सपेंसिव कलेक्शन उसे दिखाता है। ये थोड़े से ड्रंक हो गए तो स्काई कहती कि ज़रा लेट हो चुका है, अब उसे वापस जाना चाहिए। क्रिस ने कहा कि अगर तुम चाहो तो रात भर यहाँ पर रुक सकती हो। ये दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो जाते हैं। स्काई अगली सुबह अपने घर वापस आई। उसकी रूममेट लिसा उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। कहती कि रात भर में बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। उसने गुस्से में कहा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। सुबह स्काई क्रिस को कुछ भी ना बताते हुए चली गई थी, तो रात में जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर वो चला जाता है। स्काई उसे देखकर सरप्राइज नहीं थी। वो कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम यहाँ पर आ जाओ। क्रिस ने कहा कि ज़्यादा अपने होप्स मत बढ़ा, अभी मेरा डिवोर्स हुआ है और उसी वजह से मैं डेट करना चाहता था। ये बात बोलना उसे गलत लगा और इसके लिए उसने सॉरी कहा। स्काई कहती कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पर आए, पर तुम्हें मुझसे ज़रा दूर रहना चाहिए। मैंने मेरी फैमिली के बारे में तुमसे झूठ कहा था। मैं अनाथ हूँ और फॉस्टर होम में ही बड़ी हुई हूँ। ये दोनों कार के पास आए तो कोई उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा था। क्रिस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, पर स्काई गुस्से में दारू की बॉटल उसे मार कर फेंकती है। गुस्से में उस आदमी ने क्रिस का पैर तोड़ दिया। स्काई उसे हॉस्पिटल लेकर गई और घर लाकर उसका ख्याल रखती है। स्काई ने उसे सॉरी कहा। क्रिस ने कहा कि मुझे मिलने के लिए आती रहना। स्काई कहती कि मैं तुम्हारी नर्स बन सकती हूँ। वैसे भी उसे अपनी रूममेट के पास वापस नहीं जाना था। क्रिस इस बात के लिए हाँ कह देता है। वो सोने वाला था तो स्काई जब वापस आएगी तो उसे घर की सिक्योरिटी के कोर्स लगेंगे, तो एक कोर्स उसे वो दे देता है। स्काई की रूममेट लिसा के साथ उसका होम ओनर रोनाल्ड बात करता है। उसने कहा कि स्काई, तुम्हारी लाइफ में आने से पहले तुम्हारी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। स्काई अपना सामान लेने के लिए आ जाती है। लिसा ने कहा कि तुम इस तरीके से नहीं जा सकती, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, तुम अगर चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगी। ये दोनों रिलेशनशिप में थी और यहीं पर इंटीमेट हो जाती है। नेक्स्ट दिन में अपना सब सामान लेकर स्काई क्रिस के पास पहुंच चुकी थी। उसका ख्याल रखती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। सोते वक्त क्रिस ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्काई ने कहा कि ये बात तुम गोलियों की वजह से कह रहे हो। क्रिस ने कहा कि ऐसा नहीं है। स्काई कहती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले दिन होम ओनर रिसा से मिलने के लिए गया, पर घर खुला था। उसने अंदर जाकर देखा तो बाथ टब में लिसा की बॉडी पड़ी हुई थी। उसने खुद के हाथ की नसें काट ली थी। क्रिस जब सोया हुआ था तो थोड़ा सा उसे जगाकर स्काई ने उसका फ़ोन अनलॉक कर लिया। रोनाल्ड ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस को लगता है कि यह सुसाइड थी।
रोनाल्ड ने भी कहा कि लिसा की गर्लफ्रेंड स्काई उसे छोड़कर चली गई थी, शायद इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली। क्रिस जेमी से बात करता है, अपने एक्सीडेंट के बारे में उसने उसे बता दिया। जेमी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो फ्राइडे को हमारी बेटी को लेकर मैं आ सकती हूँ। क्रिस को यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसके बाद क्रिस स्काई को ढूंढने लग जाता है और वो शॉवर ले रही थी, उसका सामान देखने लग गया जहाँ पर उसे लिसा की फोटो दिखती है। कुछ चीज़ें नीचे गिर गई तो स्काई बाहर आके उसने कहा कि मैं बात समझ सकती हूँ, वैसे भी मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और तुम्हें डाउट आना सही है। अगली सुबह जब क्रिस उठा तो उसका मोबाइल उसे कहीं पर भी नहीं मिलता, उसके आईपैड की भी चार्जिंग चली गई थी। टीवी की न्यूज़ से उसे लिसा के सुसाइड के बारे में पता चल जाता है। स्काई थोड़ी देर में खाना लेकर वापस आती है। क्रिस ने उसे कहा कि मेरा फ़ोन मुझे नहीं मिल रहा। स्काई कहती कि ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुम्हें ढूंढ कर दूंगी। उसे बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड की डेथ हो गई, तुम्हें पुलिस से बात करनी चाहिए। स्काई ने कहा कि ऐसा करना बहुत स्टूपिड होगा, मैंने अपने फ्रेंड को मार डाला है। क्रिस को शॉक लगा, वो कहता है कि तुम ये सब कह क्या रही हो। स्काई कहती कि वो बहुत ही जेलस टाइप थी, बाकी सब कुछ अच्छा था पर उसके पास अपार्टमेंट था, वहाँ से मैं तुम पर नज़र रख सकती थी। पिछले 2 महीने से तुम घर में क्या करते हो, कहाँ पर जाते हो, किस टाइम पर जाते हो, ये सब कुछ मुझे पता चल गया है। सुपरमार्केट में हम कोइंसिडेंटली नहीं मिले थे, मुझे उसके बारे में भी पता था। क्रिस कहता है कि ये सब सेटअप था। स्काई ने कहा कि अब तुम्हें पता चल रहा है। उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है पर स्काई के पास क्रिस का मोबाइल था, वो तो पूरे घर को लॉक कर देती है। पैरेलल में हम देखते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाने के बाद रोनाल्ड लिसा के घर में गया, उसकी सारी चीज़ों को देख रहा था। तो जिस स्कोप से स्काई क्रिस पर नज़र रखती थी, ये स्कोप उसने देखा। इसमें वो एक लड़की को न्यूड होकर योगा करते हुए देखता है, इसमें उसे इंटरेस्ट आ गया। स्काई ने क्रिस को पकड़कर बांध दिया था। क्रिस ने कहा कि तुम ये सब कर क्यों रही हो। स्काई कहती कि तुम रीच हो और मुझे ये सब चाहिए था, अब मैं तुमसे तुम्हारे बैंक की आईडी, पासवर्ड ये सब चीज़ें पूछूंगी, तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्रिस उसकी कुछ भी बात नहीं मानता, उसे गालियाँ दे रहा था। स्काई ने एक ड्रिलर लिया और उसके पैर में डाल देती है। क्रिस को उसे सब कुछ बताना ही पड़ा। अलग अलग घरों पर नज़र रखते हुए रोनाल्ड स्काई को देख लेता है। स्काई ने सक्सेसफुली सारे पैसे ट्रांसफ़र कर लिए, वो अपने नाम की एक कंपनी क्रिएट कर दिया और ऐसा दिखा दी कि क्रिस ने खुद उसे पैसे ट्रांसफ़र किए। अगली सुबह उसे कहती है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। क्रिस पूछता है कि क्या तुमने अपना नाम भी मुझे सच बताया था। स्काई हंसती है और कहती कि अब तुम मुझे फुली कोऑपरेट करोगे, अपने अकाउंटेंट और लॉयर को कॉल करोगे और तुम्हारे पास जो भी सब शेयर्स है वो मेरे नाम पर तुम्हें करना पड़ेगा। क्रिस गुस्सा होकर उसका गला पकड़ लेता है। स्काई के पास की सीजर वो क्रिस को मार देती है। उसने उसके बीवी बच्चों की फ़ोटो दिखाई, उसने कहा कि तुम्हें इनके लिए सब कुछ करना पड़ेगा वरना मैं उन्हें भी मार दूंगी। क्रिस के घर में जो भी पेंटिंग्स थी इन सब की वो फ़ोटो निकालती है, इन्हें भी वो बेचने वाली थी। उसे मिलने के लिए वही आदमी आता है जिसने क्रिस के पैर तोड़े थे। उसे स्काई ने ही हायर किया था और वो क्रिस के घर के फर्नीचर वगैरह सब कुछ चीज़ें अब बाय कर रहा था। स्काई जब कुछ काम से घर से बाहर चली गई तो रोनाल्ड क्रिस से मिलने के लिए आ गया, उसने सब कुछ देख लिया था। वो अंदर घुस नहीं पाता तो एक पत्थर लेकर उसने शीशा तोड़ दिया। होम सिक्योरिटी का अलर्ट स्काई को चला जाता है और वो यू टर्न ले लेती है। क्रिस की हालत देखकर रोनाल्ड ने कहा कि मुझे लगा ही था कि स्काई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है, मैंने तुम्हारे बारे में गूगल किया था, तुम एक मिलीनियर हो। वो उसके मुंह से पट्टी निकालता है तो क्रिस ने कहा कि मुझे जल्दी से हेल्प करो, पुलिस को कॉल कर दो। रोनाल्ड कुछ भी कर नहीं रहा था तो क्रिस कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। रोनाल्ड कहता है कि पहले मुझे पैसे चाहिए और उसी के बाद मैं तुम्हें फ्री करूँगा। वो घर में आसपास देखता है तो उसे पेंटिंग्स दिखी है। उसने कहा कि इस पेंटिंग की वर्थ क्या है। क्रिस ने कहा कि वो एक पिकासो है, उसकी वर्थ 3-4 मिलियन डॉलर्स है। रोनाल्ड देखकर खुश हो गया, वो क्रिस को छुड़ाने लग जाता है पर क्रिस ने कहा कि पहले पुलिस को कॉल करो। रोनाल्डो ने कहा कि मैं सेलफोन यूज़ नहीं करता, उसे कैंसर होता है। उसे छुड़ा हुआ था उससे पहले स्काई घर पर पहुंच गए। वो अपनी पेंटिंग लेकर भागने की कोशिश करता है पर स्काई ने डोर बंद कर दिया। स्काई पूछती कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। रोनाल्ड ने कहा कि मैंने तुम्हें टेलीस्कोप से देखा था। स्काई कहती कि तुम बहुत ही स्टूपिड हो, तुमने सब कुछ देख लिया और फिर भी अकेले आ गए। स्काई के हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। रोनाल्ड ये देखकर भागने लग जाता है। क्रिस के फ़ोन से रोनाल्ड कहाँ पर है ये सब कुछ वो देख सकती थी। वो जब उसे ढूंढने लग गए तो क्रिस स्ट्रगल कर कुर्सी से बाहर निकल गया, घर से निकलकर गाड़ी के पास गया पर वो लॉक थी। स्काई रोनाल्ड को मारने में बिजी हो गए, तब तक वो अपनी स्नो बाइक तक पहुंच गया। स्काई रोनाल्ड को मार डालती है और क्रिस अपनी स्नो बाइक से आगे चला जाता है। एक पत्थर से टकरा कर वो नीचे गिर जाता है। रास्ते से एक गाड़ी जा रही थी उसमें का आदमी उसे हेल्प करता है। क्रिस ने कहा कि एक लड़की मुझे मारने का ट्राई कर रही है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। वो पुलिस को कॉल लगाता है और उन्होंने उसकी लोकेशन पूछी पर क्रिस ने देखा कि वो आदमी फिर से उसे स्काई के पास ही लेकर आया है। उस आदमी ने पुलिस को नहीं तो स्काई को कॉल किया था, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। इसका नाम है सेबेस्टियन।
क्रिस पूछता है कि तुम हो कौन। सेबेस्टियन ने कहा कि मैं उसका स्टेप फादर हूँ। स्काय जब 14 ईयर्स की थी तब मैं उससे मिला था। कुछ मंथ के बाद सेबेस्टियन और स्काय ने मिलकर स्काय की मदर को मार डाला था। सेबेस्टियन कहता है कि स्काय में हमेशा से टैलेंट था, मैंने सिर्फ उसे एक डायरेक्शन दी थी। क्रिस ने पूछा कि इतने लोग हैं, तुमने मुझे क्यों चूज़ किया। सेबेस्टियन कहता है कि तुम जैसे बहुत सारे लोग स्मार्ट होते हैं पर कभी भी ये सब पा नहीं सकते। तुम अपने पैसों को यूज़ नहीं कर रहे थे और हमारे पास ये पैसे सही रहेंगे। रात में स्काय और सेबेस्टियन इंटीमेट हुए। इसके बाद क्रिस के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे साथ मैंने जो टाइम स्पेंड किया ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। क्रिस ने कहा कि अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे थी तो मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए रेडी था, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्काय ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली, तुमने अपने बॉन्ड्स के बारे में मुझे नहीं बताया था जो 14 मिलियन डॉलर्स के हैं। इन बॉन्ड्स को एक्सेस करने के लिए उन्हें बैंक के लॉकर में जाना पड़ेगा और इस लॉकर को फिंगरप्रिंट है। क्रिस समझ आता है कि इन फिंगरप्रिंट की वजह से उन्होंने उसे अब तक नहीं मारा है। सेबेस्टियन आया और उसका थंब वो काट देता है। नेक्स्ट डे फ्राइडे आ गया था। जेमी अपनी बेटी को लेकर क्रिस से मिलने के लिए आ जाती है। यहाँ टूटी हुई कांच और पूरा घर देख कर वो सस्पिशियस हो गए। अपनी बेटी को उसने बोला तो स्काय उसके साथ आए। वो कहती कि मैं क्रिस की नर्स हूँ। जेमी को बहुत ही सस्पिशियस लगता है। उसने कहा कि क्रिस को अभी के अभी बुला। स्काय इसके लिए मना करती है पर जेमी ने कहा कि अगर तुम उसे नहीं बुलाती तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। पीछे से सेबेस्टियन आ गया। जेमी और उसकी बेटी को क्रिस के साथ क्लोजेट में वो बंद कर देता है। क्रिस की हालत देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। सेबेस्टियन ने प्रिटेंड किया कि जैसे उसके हाथ पर फ्रैक्चर है, क्रिस की जो उंगली उसने तोड़ दी है ये फ्रैक्चर पर वो लगा देता है। बॉन्ड्स निकालने के लिए वो बैंक में चले गए। यहाँ से कैसे निकले इसके बारे में क्रिस बहुत सोचता है। ऊपर एक वेंट था जिससे इनकी बेटी आगे जा सकती है। ये डेंजरस था तो इसके लिए जेमी मना कर रही थी पर क्रिस कहता है कि अगर स्काय और सेबेस्टियन वापस आ गए तो हम सबको मार डालेंगे। इनकी बेटी वेंट में चली गई तो जेमी पूछती कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। क्रिस कहता है कि वो सब कुछ चाहते हैं। अब वो मेरे बॉन्ड्स लेने के लिए गए हुए हैं। बैंक में पहले सेबेस्टियन का थंब काम नहीं करता क्योंकि हीट सिग्नेचर भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये कटा हुआ फिंगर था तो उसमें हीट सिग्नेचर आ नहीं रहे थे। फाइनली बहुत ट्राई करने के बाद ये ओपन हो गया। जेमी ने क्रिस को कहा कि मैंने ऑलरेडी बॉन्ड निकाल लिए थे। मेरे लॉयर ने कहा था कि अगर तुम चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसे नहीं दोगे तो ये बॉन्ड मेरे पास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लॉकर चेक करने के बाद सेबेस्टियन और स्काय को कुछ भी नहीं मिलता। जेमी ने क्रिस को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जो लेटर लिखा था सिर्फ यही उन्हें मिलता है। गुस्से में घर वापस आ रहे थे तभी उन्हें पता चला क्रिस की डॉटर ने दरवाज़ा खोल दिया है। जल्दी से अंदर आकर वो क्रिस को ढूंढ लेते हैं और बहुत मारते हैं। सेबेस्टियन ने स्काय को कहा कि क्रिस को मार डालो। उस पर चिल्लाने लग गया। ये बात स्काय को अच्छी नहीं लगती और उसे वो शूट कर देती है। स्काय का जब ध्यान नहीं था तो क्रिस हैमर लेकर उसे जोर से मारता है। जेमी और डॉटर घर में ही छुपे हुए थे। स्काय के पास क्रिस का जो मोबाइल था ये लेकर वो भाग जाता है। उसने मोबाइल से पूरे घर की लाइट्स बंद कर दी। स्काय के हीट सिग्नेचर से सिर्फ वही उसे देख सकता था। स्काय डिस्टर्ब होकर हर जगह पर गोलियां चलाने लग जाती है। बड़ी चालाकी से क्रिस उस पर हमला कर देता है। क्रिस ऑलरेडी बहुत ही इंजोर था तो स्काय उस पर भारी पड़ी। उसने उसे पूरी तरीके से इंजोर कर दिया। उसे मारने वाली थी तभी जेमी स्काय पर हमला कर देती है। स्काय ने उसे भी बहुत मारा। उसके लेग में वो चाकू डाल देती है। स्काय उन दोनों को मारने वाली थी तभी उनकी डॉटर ने सेबेस्टियन की गन लेकर स्काय को मार डाला। थोड़ी देर में पुलिस पहुंच जाते हैं। मरते मरते स्काय क्रिस को अपना नाम बता कर गए। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। बिना जान पहचान की रिलेशनशिप को इस तरीके से आगे बढ़ाना ये क्रिस को बहुत ही कॉस्टली पड़ा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दोनों मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए।